हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 10 मार्च तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आप में से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, तो उससे पहले करंट अफेयर का जो नोट्स जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसे अवेलेबल कराया जाए। वैसे जो मेरे करंट अफेयर के नोट्स हैं वो आपके 6 मंथ यानी हाफ ईयरली नोट्स आपके जुलाई और दिसंबर मंथ में आते हैं, लेकिन आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम को देखते हुए आपके लिए 20 अप्रैल तक के डेट के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसका भी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के थ्रू दे दी जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक में भी उसके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थल में पहले नंबर पर है आपका धार्मिक औद्योगिक मुख्य दार्शनिक स्थल। देखिए, आपके सरगुजा पर्यटन विकास प्राधिकरण के द्वारा कोरिया जिले के छह स्थानों को पर्यटक रूप से विकसित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। देखिए क्या बात हो रही है यहां, धार्मिक, औद्योगिक और दार्शनिक। धार्मिक स्थल भी शामिल है, औद्योगिक स्थल भी शामिल है और दार्शनिक स्थल भी शामिल है, जिसे पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है सरगुजा पर्यटन विकास प्राधिकरण के द्वारा। 6 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है अमृतधारा जलप्रपात, जो कि एक दार्शनिक स्थल है, जो कि हसदेव नदी पर निर्मित है। और एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो 6 के 6 आपके जो स्थल है ये आपके कोरिया जिले में मौजूद है, कोरिया जिले में स्थित है ये आपके 6 धार्मिक औद्योगिक मुख्य दार्शनिक स्थल। ठीक, तो पहले नंबर पर है अमृतधारा जलप्रपात, जो कि कोरिया जिले में है, जो कि हसदेव नदी पर स्थित है। सेकंड नंबर पर है चिरमिरी, जहां पर है आपका पोडी हिल्स कालरी। चिरमिरी जिसमें मौजूद है, चिरमिरी के अंतर्गत आता है आपका पोडी हिल्स कालरी, जो कि एक कोयला क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर है घाघरा, जहां पर मौजूद है पत्थरों का मंदिर। देखिए, धार्मिक स्थल चिरमिरी, औद्योगिक स्थल घाघरा, धार्मिक स्थल अमृतधारा, दार्शनिक स्थल। उसके बाद है आपका सीतामढ़ी हर चौका, जहां पर मौजूद है प्राचीन मंदिर और गुफाएं, एक धार्मिक स्थल। उसके बाद है आपका कोटाडोल, जहां पर मौजूद है आपकी प्राचीन मूर्तियां, एक धार्मिक स्थल। उसके बाद है आपका मुरेरगढ़ ग्राम, जहां पर मौजूद है उमरवाह देवी का मंदिर, जो कि एक धार्मिक स्थल है। आप देख रहे होंगे यहां पे सारे स्थल मिक्सअप है, धार्मिक स्थल भी है, औद्योगिक स्थल भी है, दार्शनिक स्थल भी है। अमृतधारा दार्शनिक स्थल, हसदेव नदी पर निर्मित है अमृतधारा जलप्रपात। ठीक, उसके बाद है चिरमिरी, जो कि एक औद्योगिक स्थल है, जहां पर आपका पोडी हिल कलारी है, जहां पे कोयला क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर है घाघरा, पत्थरों का मंदिर, धार्मिक स्थल। चौथे नंबर पर है सीतामढ़ी हर चौका, प्राचीन मंदिर और गुफाएं, धार्मिक स्थल। उसके बाद है कोटाडोल, जहां पर प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक स्थल। और लास्ट है आपका मुरेरगढ़ ग्राम, जहां पर उमरवाह देवी का मंदिर है, जो एक धार्मिक स्थल है। तो इसे सरगुजा विकास प्राधिकरण के द्वारा पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए, अभी फिलहाल दावा किया जा रहा है कि ये जो आपका नया जलप्रपात जो मिला है, मकर भंजा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 450 फीट, जशपुर जिले में महान नदी पर स्थित। देखिए, ये आपका जो मकर भंजा जलप्रपात है ये महान नदी पर स्थित है, जशपुर जिले के महान नदी पर स्थित मकर भंजा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 450 फीट, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो आपका जलप्रपात है ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अभी जो आपका प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बस्तर जिले में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जो नया जलप्रपात मिला है इसकी ऊंचाई जो है ये 450 फीट है, यानी तीरथगढ़ जलप्रपात से भी अधिक। तो अभी फिलहाल दावा किया जा रहा है कि अगर ये सही हुआ कि इसकी ऊंचाई अगर 450 फीट होती है तो ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा, अभी केवल दावा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए लिंगो देवपथ, ये विकसित किया गया है, एक मार्ग, सड़क मार्ग विकसित किया गया है कोंडागांव जिले में एक सड़क मार्ग विकसित किया गया है, जो कनेक्ट कर रहा है मर्दापाल से खाले मुरवेंट
थोड़ा अटपटा सा नाम है, देखिए मर्दापाल से खाले मुरवेंट इन दो जगहों को कनेक्ट करते हुए 150 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई है। ठीक इस सड़क के निर्माण होने के पश्चात इसके लिए एक लोकार्पण महोत्सव भी आयोजित किया गया। इस सड़क निर्माण के पश्चात इस सड़क के लोकार्पण के लिए यानी उद्घाटन के लिए एक महोत्सव भी आयोजन किया गया इस आपके कोंडागांव जिले में। उस महोत्सव का नाम है आपका पुनांग हरित पुंडम, पुनांग हरित पुंडम, जो कि मर्दापाल से खाले मुरवेंड जहां पे 150 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है उसके उद्घाटन के लिए एक लोकार्पण महोत्सव है जिसका नाम रखा गया है आपका पुनांग हरित पुंडम। ठीक देखिए ये जो आपका सड़क है 150 किलोमीटर की जो सड़क है वो आपके कोंडागांव जिले में स्थित जितनी भी पर्यटक और धार्मिक स्थल है सभी को कनेक्ट कर रहे हैं। पर्यटक स्थल, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इन सारे स्थलों को कनेक्ट करते हुए 150 किलोमीटर का लंबा आपका सड़क बनाया गया है जिसमें मौजूद है आपका पावड़ा, पावड़ा का शिव मंदिर, भोंगापाल का, भोंगापाल का सात रानिया मंदिर, भोंगापाल का बौद्ध चैत्य गृह जिसे स्थानीय स्तर पर कहा जाता है डोडा मुरिंदा, डोडा मुरिंदा बौद्ध चैत्य स्थल है भोंगापाल में जिसे स्थानीय लोग कहते हैं डोंडा मुरिंदा, और आपका चिंगनार का बूढ़ा देव मंदिर। तो ऐसे कुछ धार्मिक पुरातात्विक आपके जो स्थल है उसे कनेक्ट करते हुए 150 किलोमीटर लंबा सड़क बना है। इसमें ध्यान दीजिएगा सात रानिया मंदिर कहाँ मौजूद है, भोंगापाल में, बौद्ध चैत्य गृह कहाँ मौजूद है, भोंगापाल में, पावड़ा का शिव मंदिर और चिंगनार का बूढ़ा देव मंदिर। ठीक है देखिए नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी शिवपुराण, छत्तीसगढ़ी शिवपुराण लिखी है आपकी गीता शर्मा, गीता शर्मा ने जो आपके शिवपुराण है उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया तथा इसे लिखने में इन्हें लगभग 6 माह का समय लगा, 6 माह का इन्हें समय लगा। इन्होंने लगभग 24,000 श्लोकों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। अपने इस छत्तीसगढ़ी शिव पुराण में गीता शर्मा ने लगभग 24,000 श्लोकों का आपका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। इस बुक में 1200 पन्ने हैं जिसका वजन है लगभग 2.5 किलोग्राम। ठीक है तो छत्तीसगढ़ी शिव पुराण, छत्तीसगढ़ी शिव पुराण की लेखिका कौन है पूछा जाए तो गीता शर्मा, जिसमें उन्होंने लगभग 24,000 श्लोकों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया जिसका वजन है आपका 2.5 किलो जिसमें आपके 1200 पन्ने हैं। इसे लिखने में इन्हें 6 माह का समय लगा। नेक्स्ट देश का पहला निशुल्क टेलीफोनिक विधिक सहायता केंद्र, देश का पहला निशुल्क टेलीफोनिक विधिक सहायता केंद्र, यहां क्या बात हो रही है, विधिक यानी कानूनी सहायता दी जाएगी टेलीफोन के माध्यम से निशुल्क। देखिए इसका उद्घाटन किया गया है रायपुर जिला न्यायालय में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका उद्घाटन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को कानूनी सलाह देना, लोगों को कानूनी सलाह देने के लिए टेलीफोन के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता लोगों को प्रदान की जाएगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 15100 15100 1510। ठीक है लोगों को निशुल्क आपकी विधिक सहायता देने के लिए इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय विधिक हेल्पलाइन सेवा प्राधिकरण। ये जो आपका निशुल्क टेलीफोनिक विधिक सहायता जो प्रदान किया जा रहा है उसका एक्चुअली नाम रखा गया है राष्ट्रीय विधिक हेल्पलाइन सेवा प्राधिकरण जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है नालसा। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा नालसा क्या है, नालसा आपका एक निशुल्क टेलीफोनिक विधिक सहायता केंद्र है। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विधिक हेल्पलाइन सेवा प्राधिकरण जिसमें लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट आकांक्षी जिलों का डेल्टा रैंकिंग। अभी हाल फिलहाल में जनवरी में नीति आयोग के द्वारा कुछ आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें आपके हमारे प्रदेश में जो आपके आकांक्षी जिले, हमारे प्रदेश के 10 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है तो उसमें यदि हम देखिए तो कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में या जल संसाधन की डेल्टा रैंकिंग में हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है, बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ का तीसरे स्थान पर रहा। पहले नंबर पर है आपका मामित जो कि मिजोरम राज्य के अंतर्गत आता है, सेकंड नंबर पर है आपका हजारीबाग जिला जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और तीसरे नंबर पर है हमारा बीजापुर जिला जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष पुनः नियुक्त हुए हैं आपके अजय सिंह। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं यानी छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री यानी वर्तमान में है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अजय सिंह।
ठीक। सेकंड नंबर पर है गन्ना खरीदी। अभी हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार या प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष जो गन्ना के किसान है उनसे 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना की खरीदी की जाएगी। याद रखिएगा गन्ना का समर्थन मूल्य कितना है इस वर्ष के लिए, 355 रुपए प्रति क्विंटल। इंपॉर्टेंट है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है हमर अस्पताल। हमर अस्पताल जिसे खोला गया है 30 बेड वाला एक अस्पताल है जिसे गुढ़ियारी रायपुर में खोला गया है। ये प्रदेश का पहला कैशलेस एवं पेपरलेस आपका अस्पताल है हमर अस्पताल, जहां पर किसी प्रकार के पेपर वर्क नहीं होगा, सारे के सारे वर्क डिजिटलाइजेशन फॉर्म में होंगे। इसके अलावा आपका कैशलेस का मतलब जितने भी भुगतान है वो डिजिटलाइज यानी यूपीआई या आपके पेमेंट ऐप के माध्यम से होंगे। ठीक है, तो प्रदेश का पहला आपका पेपरलेस या कैशलेस अस्पताल जिसका नाम है आपका हमर अस्पताल, जो खोला गया है आपके गुढ़ियारी रायपुर में। नेक्स्ट देखिए कालनेमी हनुमान मंदिर। कालनेमी हनुमान मंदिर, कालनेमी एक राक्षस है, कालनेमी एक राक्षस का नाम है। तो उस राक्षस के सिर के ऊपर पैर रख करके खड़े हैं आपके हनुमान जी। तो इन हनुमान की प्रतिमा जो कि चर्चा में रही, ये कहीं से मिला नहीं है, बना हुआ है लेकिन काफ़ी ऐतिहासिक प्रतिमा है। ये जो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कराया है आपके कलचूरी राजा ब्रह्मदेव ने। ये मूर्ति मौजूद है आपके रायपुर में मौजूद है ये मूर्ति, जिसका निर्माण कराया है आपके कलचूरी राजा ब्रह्मदेव ने। ठीक, और जो इसका जीर्णोद्धार कराया गया इस मंदिर का, आपका मराठा के राजस्व अधिकारी तात्या साहेब के द्वारा, इसका जीर्णोद्धार कराया गया आपका 1850 ईस्वी के आसपास। देखिए शुरू में एक स्थान पर आपका हनुमान जी का एक पत्थर निकला, उस पत्थर जो आपके ब्रह्मदेव राजा, जो आपके कलचूरी राजा जो ब्रह्मदेव है उनके काल में एक जमीन से एक पत्थर निकला जिसे हनुमान जी का चोला माना गया। जो हनुमान जी जो अपने शरीर पे ओढ़ते हैं उसे हनुमान जी का चोला माना गया। तो उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया आपके जो कलचूरी राजा ब्रह्मदेव के द्वारा। कहाँ पर? तात्यापारा। अभी वर्तमान में ये जो जगह है, ये मंदिर जो मौजूद है, ये तात्यापारा रायपुर में है। वो तात्यापारा नाम कैसे पड़ा ये भी बताता हूँ। तात्यापारा रायपुर ये अपने आप में हनुमान जी की एक अलग ही प्रतिमा है जिसमें कालनेमी राक्षस के ऊपर पैर रख कर खड़े हैं। ठीक है, तो जमीन से हनुमान जी का एक पत्थर निकला जिसे हनुमान जी का चोला माना गया। वहां पे मंदिर का निर्माण कराया गया आपके कलचूरी राजा ब्रह्मदेव के द्वारा, जिसका कालांतर में जीर्णोद्धार कराया गया आपके मराठा राजस्व अधिकारी तात्या साहेब के द्वारा वर्ष 1850 ईस्वी में। तथा इस मंदिर को ही तात्या मंदिर या इसके आसपास के क्षेत्र को तात्यापारा कहा गया। ठीक है, तो ये मौजूद है आपका मंदिर तात्यापारा रायपुर में। नेक्स्ट देखिए एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म। एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के धौराभाटा ग्राम में धमधा ब्लॉक के अंतर्गत दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के धौराभाटा ग्राम में मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म। यहाँ पर लगभग 500 एकड़ की भूमि पर 20 प्रकार के आपके फसल या 20 प्रकार के आपके फलों के पेड़ मौजूद है, जिसमें से इस 500 एकड़ की जो आपकी भूमि है जिसमें 20 प्रकार के फलों के पेड़ मौजूद है, तो इस 500 एकड़ में से 180 एकड़ पर केवल सीताफल मौजूद है। ठीक, इस 500 एकड़ में से 180 एकड़ में केवल सीताफल की आपकी उपज लगाई गई है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सीताफल का फॉर्म है, जहां पर बालानागर प्रजाति के सीताफल को यहाँ पर उगाया जाता है। बालानागर जो कि सीताफल की सबसे उत्कृष्ट प्रजाति है, बालानागर प्रजाति। नेक्स्ट देखिए एसडीजी इंडेक्स 2019। अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2020 में एसडीजी इंडेक्स 2019 जारी किया गया। इंडेक्स 2019 का है, जारी हुआ है आपकी जनवरी 2020 में। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं दिसंबर वाले करंट अफेयर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसके अंतर्गत लगभग 17 प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है प्रत्येक राज्यों के लिए। ठीक है, तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के अंतर्गत ये जारी किसने किया है, नीति आयोग के द्वारा जनवरी में इसे जारी किया गया है, जिसमें 16 मानकों के आधार पर 28 राज्यों की रैंकिंग तैयार की गई। इसमें जो छत्तीसगढ़ है इसका स्थान रहा 21वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 21वां, इंपॉर्टेंट है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर था, 15वें स्थान से खिसक करके अब छत्तीसगढ़ हो गया है आपके 21वें स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 26वां भोरमदेव महोत्सव जिसका आयोजन हर साल होता था आपके कवर्धा जिले में, इसकी शुरुआत हुई आपके वर्ष 1995 से हर साल आपके भोरमदेव कवर्धा जिले के भोरमदेव में आपके भोरमदेव महोत्सव का आयोजन होता था, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 से, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण ये महोत्सव रद्द कर दिया गया। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण ये महोत्सव रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो भोरमदेव महोत्सव जो कि 26वें नंबर का भोरमदेव महोत्सव था, जिसे रद्द कर दिया गया। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारों पर हमने चर्चा कर लिया है। किसी भी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।